दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दूत। समूचे भारतवर्ष में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का यह आम चुनाव न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए अभूतपूर्व है। इस विशाल लोकतंत्र में जहां तीसरी बार भाजपा और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहा है, यद्यपि भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, उसके बावजूद भी मंडला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते 7वीं बार इस इलाके से विजयी हो रहे हैं। तकरीबन 1,00,000 मतों से के विशाल अंतर से अपनी जीत को मंडला के इलाके में बनाए रखने का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वह एक राजनीतिक क्षेत्र में काबिले तारीफ कहा जा सकता है। हालांकि यह चुनाव उतार और चढ़ाव के बीच में, विभिन्न अटकलों के बीच में चलता रहा, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते की चुनावी बैतरणी इस बार भी आखिर पार हो गई। आइए हम जानते हैं कुलस्ते जी से कि आखिर क्या कारण है कि मंडला की सीट से लगातार आप 7वीं बार विजयी हो रहे हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि संसदीय क्षेत्र मंडला की इस जनता का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा से ये 7वीं बार रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं का भी प्रयास, उनका परिश्रम और जनता का आशीर्वाद, ये दोनों के तालमेल से हम सफल हो पाए हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ जनता का भी, हमारे कार्यकर्ताओं का भी, केंद्रीय नेतृत्व का। मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी मैंने कहा कि मैं 8वीं बार एक ही स्थान से चुनाव लड़ रहा हूँ। एक बार 9 में मैं नुकसान हुआ, चुनाव में हारा, पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजा और ऐसे 8 बार राज्यसभा लोकसभा मिलाकर के एक स्थान पे काम करना ये बहुत कठिन होता है राजनीति में। परंतु जनता का विश्वास मुझ पर इतना अटूट है कि मैं कभी भी कोई भी ऐसे विषय या विकास के कामों को लेकर के, या मैं कई बार जनता को समझाने का प्रयास करता था, जो स्नेह मुझे मिला है वास्तव में मैं कभी भूल नहीं सकता कि जनता ने इतने सबके बाद आशीर्वाद दिया है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व सफलता है। और जनता को मैं पुनः एक बार आभार उनका व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि कभी भी कोई भी किसी प्रकार का कोई विषय हो जो मेरे लिए या जनता की जो अपेक्षा है या भावना है उसके अनुरूप अगर आता है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस पर उस काम को पूरा करना और उनकी अपेक्षा की जो भावना है, अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करना, ये मेरा स्वभाव रहा है और इसलिए जनता का विश्वास प्राप्त हुआ है। कुलस्ते जी, ऐसा नहीं लगता कि इस इलेक्शन में आपको, विशेषकर प्रत्याशी को, विकास के मुद्दे पर ज़्यादातर घेरा गया, तो पूरे इलाके में ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात हम नहीं कर पाए जिससे हम ये बता सके कि इस इलाके के लिए हमने ये किया, जैसे रोजगार, उद्योग, शिक्षा आदि? देखिए, मैं कहूँगा कि वास्तव में हर ऐसे क्षेत्र हैं, उद्योगों के क्षेत्र में भी हमने थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने 10 ऐसे इंडस्ट्री, 5 को हमने शुरू किया, 5 को हमने प्रारंभ करने का निर्णय किया। अभी एक बहुत बड़ा हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आया है उसमें भी हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रूर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मैंने कहा है कि लोगों को, स्थानीय लोगों को अवसर देना ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम इंडस्ट्री को, लोगों को और भी रोज़गार के दृष्टि से हम आगे बढ़ाएंगे। टूरिज़्म के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत हैं, हम टूरिज़्म के बारे में भी, मुझे ध्यान में माँ नर्मदा की गोद में हम यहाँ जन्म लिया हूँ, तो मेरा धर्म है कि मैं इसके किनारे जहाँ जहाँ पर कुछ टूरिस्ट पॉइंट निकल सकते हैं वो मैं कोशिश करूँगा। और कान्हा हमारा नेशनल पार्क है, हमसे लगा हुआ पैज भी है, गुगवा है, हमारे बांधवगढ़ है, इस सारे इसको जोड़ कर के कॉरिडोर के बारे में मैंने सोचा है। आने वाले भविष्य में हम इसको प्लानिंग के साथ में टूरिज्म को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, ये मैं ज़रूर आज
मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूँ, नौजवानों को भी। कुलस्ते जी, भाजपा की राजनीति में आप एक आदिवासी चेहरा हैं, आदिवासी नेतृत्व आप स्वीकार करते हैं। अभी देश में एनडीए की बहुमत यद्यपि हो रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल, चाहे आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम की बात करें, चाहे बिहार के नीतीश कुमार जी की बात करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई पलटीबाजी राजनीतिक रूप से बढ़े, तो आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि एनडीए में हम सब मिलकर के भारत की जनता की सेवा करेंगे, और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी को सब स्वीकार करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में संख्या का खेल रहता है, परंतु आज एनडीए का पूर्ण बहुमत है, इसलिए कोई ऐसा संशय का कोई विषय नहीं है। हमारे पास जो संख्या बल है, वो संख्या बल हम पूरा करेंगे, और सरकार हमारी बराबर तीसरी बार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी रहेगी। हमने उनके लीडरशिप में चुनाव को लड़ा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। कुलस्ते जी को पूर्ण विश्वास है कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार ही बनेगी और उसे पूर्ण बहुमत मिला भी है, लेकिन यदि कोई परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति होती भी है, तो कुलस्ते जी भाजपा के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। लेकिन उन्होंने मंडला के विकास को जोर देते हुए अब यह कहा है कि आने वाले 5 साल में उद्योग भी होंगे, रोड भी होगी, और शिक्षा के लिए उचित स्थान भी होगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ दूत।